जय सियाराम। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। परम दयालु हनुमान जी के जो भी साधक हैं, भक्त हैं, उनके जीवन में निरंतर अनुकूलता प्राप्त होती है। जो भी शरणागत है हनुमान जी के, ये हो नहीं सकता कि उनके जीवन में कठिनाइयां बहुत देर तक टिक पाएं, क्योंकि पूर्ण शरणागति के बाद सब सुलभ, सब संभव हो जाता है। किसी प्रकार की परेशानी, कठिनाई जीवन में बचती नहीं है। जिस पर राम कृपालु हो जाते हैं, जिस पर राम दया कर देते हैं, उसके लिए कुछ भी अगम में नहीं रह जाता, कुछ भी असंभव नहीं रह जाता, सब संभव हो जाता है। आवश्यकता है शरणागति की। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे हम बात करेंगे और कुछ आपको एक अचूक महा उपाय बताएंगे, और ये बहुत सारे साधकों का निज अनुभव है कि इससे तुरंत फायदा मिला है, तुरंत फल की प्राप्ति हुई है। कितना भी बड़ा संकट रहा हो, हनुमान जी ने तुरंत कृपा की है और जो मुश्किलें थीं वो आसान हुई हैं। ये साधकों का निज अनुभव है, हम इसकी बात करेंगे। लेकिन उसके पहले ये बहुत आवश्यक है ये जानना कि शरणागति क्या है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि भगवान राम स्वयं कहते हैं कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहीं, जन्म कोटि अघ ना सही तबहीं। भगवान राम कहते हैं कि मेरे सन्मुख जैसे ही जीव आता है, कोई व्यक्ति आता है, भक्त आता है, उसके करोड़ों जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। एक जन्म नहीं, करोड़ों जन्मों में उसने जो पाप किया है उसका नाश हो जाता है। सन्मुख मेरे जब जीव आता है, सन्मुख आना क्या है? हम ईश्वर के सामने करबद्ध होकर प्रार्थना करते हुए हम उनके सामने खड़े हो जाते हैं। व्यवहारिक अर्थ में तो हम उनके सन्मुख हो गए, तो ऐसे में तो हमारे पापों का नाश हो जाना चाहिए। जो भी हमारा भवितव्य है, जो भी प्रारब्ध है, जो बुरा फल हमें दे रहा है, जिससे हमारे जीवन में परेशानियां बढ़ी हैं या माया में हम लिप्त हो गए हैं, ईश्वर चिंतन से दूर हो रहे हैं, ये सब तो दूर हो जानी चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि व्यक्ति जो सन्मुख व्यवहारिक तौर पे तो दिखाई देता है, लेकिन आंतरिक जगत से वो सन्मुख हो नहीं पाता है। आमतौर पे बहुत सारे भक्त कहते हैं कि निर्मल जन्म मन सो मोहि पावा, तो क्या हमारा मन निर्मल नहीं है? हम जो पूजा प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं प्रभु राम की, हनुमान जी की, तो क्या हमारा मन निर्मल नहीं है? हमारा भी मन निर्मल है, ऐसे बहुत सारे भक्त कहते हैं। तो क्यों नहीं कृपा हो रही है हम पर? अभी कैंची धाम की यात्रा के दौरान एक बहुत अच्छे संत से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा शरणागति के बारे में कि इसके लिए एक बड़ा सुंदर शब्द है अंग्रेजी में, इंग्लिश में। वो शब्द है क्विट कर जाना। क्विट कर जाना यानी एग्जिट हो जाना। अब तक हम जो काम कर रहे थे, अब तक जो हमारे कर्म रहे हैं, अब तक जो हमारी कार्यशैली रही है, जो चिंतन की प्रक्रिया रही है, जिस प्रपंच में, षड्यंत्र में हम शामिल रहे हैं, जिस सांसारिकता के खेल में हम लगे हुए हैं, उसे क्विट कर जाना, उसे तुरंत निकल जाना, बाहर हो जाना, और ये कहना कि जो हुआ सो हुआ, अब हम आपकी शरण में हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अब लौ नसानी, अब ना नसई हो, जो हुआ सो हुआ, अब नहीं। लेकिन व्यक्ति ऐसा करता नहीं है, वो क्विट नहीं करता। जीवन के जिस खेल में वो शामिल है, जिस प्रकार की दशा उसकी चल रही है, जिस प्रकार से उसका आचरण है, जिस प्रकार से उसके क्रियाकलाप हैं, उस खेल से वो बाहर निकलना नहीं चाहता। शब्दों से शरणागति की बात करता है कि हम प्रभु राम के सन्मुख हैं, उनकी शरण में हैं, क्विट नहीं करता, खेल से तुरंत बाहर नहीं निकलता, यूटर्न नहीं लेता, और जिसका नतीजा ये होता है कि शरणागति अधूरी रह जाती है। नहीं तो ऐसा हो नहीं सकता कि प्रभु श्री राम का यह स्वयं का वचन है कि मेरे सामने अगर जीव एक बार आ जाता है तो उसके करोड़ों जन्मों के पापों का नाश हो जाता है, सब नाश हो जाता है उसका। लेकिन व्यक्ति ऐसा करता नहीं है। लौकिक अर्थों में देखें, हम अदालतों में आमतौर पर देखते हैं कि जब भी कोई अपराधी
पे जब अपराध सिद्ध हो जाता है और जज उसे सजा देने जा रहे होते हैं, तब भी वो अपराधी यही कहता है कि मेरी तो कोई गलती नहीं है, पुलिस ने तो नाहक मुझे पकड़ लिया है, मुझे नाहक दोषी ठहराया जा रहा है। लेकिन जज इस बात को समझते हैं कि इसके खिलाफ जो सबूत हैं, जो एविडेंस हैं, जिसको परिस्थितिजन्य साक्ष्य कहते हैं, परिस्थितियाँ ये बता रही हैं कि इसने इस अपराध को किया है, लेकिन ये स्वीकार नहीं कर रहा। इसका मतलब ये है कि ये बदलेगा नहीं, ये सुधरने को तैयार नहीं है, और उसके बाद फिर 7 साल की सजा हो जाती है। यही होता है आध्यात्मिक जगत में भी, फिर 7.5 ही शुरू हो जाती है भगवान शनि की, क्योंकि व्यक्ति हमेशा ईश्वर को ही दोष देता है कि हमने तो इतने हनुमान चालीसा पढ़ लिए, हमने तो इतने पूजा पाठ कर लिए, हम तो बड़े अच्छे आदमी हैं, ईश्वर ही हम पर ध्यान नहीं दे रहे। और वो अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता, उस खेल से अपने को बाहर नहीं करता, तो उसके बाद विधान के तहत उसको सजा मिलनी शुरू हो जाती है। कभी 7.5 शुरू हो जाएगी, कभी कोई गृह दिशा खराब हो जाएगा, ये सब जो परिस्थितियां हैं, जो परिस्थितियां उसके खिलाफ जो निर्मित होती हैं, ये उसके पीछे वही होता है। एक बार अगर कोई अपनी गलती भूल स्वीकार करते हुए अपने पुराने खेल से क्विट कर जाए, निकल जाए, बाहर आ जाए, इस षड्यंत्र और तमाम तरह के प्रपंचों से, दुनिया के खेल से अपने को बाहर कर ले, यकीन मानिए उसके बाद आपकी पूरी व्यवस्था ईश्वर संभालने लगते हैं। हम तो अदालतों में भी देखते हैं, बड़े बड़े जो अपराधी होते हैं, डाकू होते हैं, जब समर्पण करते हैं, हाथ उठा देते हैं कि अब हमने समर्पण कर दिया, उसके बाद उनकी सजा तो माफ़ हो ही जाती है, उनके पुनर्वास की व्यवस्था सरकार करती है, जो शासन प्रशासन है उसके पुनर्वास की व्यवस्था करती है कि इसका आगे का जीवन कैसे चलेगा, इसके लिए कुछ रोजी रोजगार की व्यवस्था हम कर दें, कुछ धन की व्यवस्था कर दें, इसके रहने की व्यवस्था कर दें, यानी आत्मसमर्पण के बाद ये पूरी व्यवस्था शासन प्रशासन का करने लगती है। और आध्यात्मिक जगत में तो इससे भी ज़्यादा है, हम जैसे ही आत्मसमर्पण करते हैं, जैसे ही अपने पुराने खेल से हम क्विट करते हैं, निकल जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, उसके बाद पूरी व्यवस्था हनुमान जी देखने लगते हैं। लेकिन इसके लिए पुराने खेल से बाहर आना होगा, निर्मल मन से जाना होगा, अब तक जो खेल खेलते रहे हैं उससे बाहर आना ही होगा, तभी ये बात सिद्ध होगी कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहिं, जन्म कोटि यज्ञ नाशहि तबहिं। जैसे ही मेरे सन्मुख जीव आएगा, उसके करोड़ों जन्मों के पापों का उसी वक्त नाश हो जाएगा, ये प्रभु श्री राम का वचन है, वचन दिया है उन्होंने। ऐसा व्यक्ति अगर करे तो फिर तो कोई बाधा कोई परेशानी जीवन में रही नहीं जाएगी, लेकिन हम तो नाहक ईश्वर को ही दोष देने में लगे रहते हैं। खैर, ये प्रयासों के तहत धीरे धीरे जब आप ईश्वर चिंतन करेंगे, जब ईश्वर का गुणगान सुनेंगे, और हर व्यक्ति का कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें होती हैं उसके लिए जहाँ उसको मिल जाती है, और वहीं से उसके अंदर बदलाव आना शुरू हो जाता है। जब हम पूरी कथा सुनते हैं, ईश्वर की चर्चा में आते हैं, जब संत पुरुषों को हम सुनते हैं, आपके लिए कोई ना कोई ऐसी बातें होंगी जो आपके जीवन को बदलेंगी। अब इस यात्रा क्रम में वो बात कब आपके सामने आती है, वो आपका जो वाक्य है जो आपके जीवन को बदल दे, वो कब आपके सामने आती है, अब ये ईश्वर से इसके लिए प्रार्थना करनी होगी कि जल्द से जल्द हमारी जो सद्बुद्धि है वो जग जाए। अलग अलग संतों का जो परिवर्तन हुआ है, उनके हृदय परिवर्तन, जो उन्होंने क्विट किया है अपने पुराने खेल से, सबके लिए अलग अलग परिस्थितियाँ बनी, अलग अलग कुछ ऐसे संदर्भ सामने आए, ऐसी बातें सामने आई जिससे वो अपने पुराने खेल से बाहर आ गए। चाहे वाल्मीकि जी हों, तुलसीदास जी हों, अभी के भी बहुत सारे संत हैं जो इस पुराने बातें जैसे ही बदली सब ठीक होने लगा। आजकल बहुत चर्चा में जो संत हैं आदरणीय प्रेमानंद जी महाराज, जो वृंदावन के हैं, और एक जगह मैं सुन रहा था उनको, वो कहते हैं कि वृंदावन के पास कहीं वो एक मंदिर में ठहरे हुए थे और काफ़ी बीमार तो पहले से चल ही रहे थे, तो उनके बीमारी की अवस्था में उनसे कोई काम तो होता नहीं था, पड़े रहते थे एक कुटिया में, तो वहाँ के जो प्रमुख संत थे उन्होंने कहा कि कब तक यहाँ पड़े रहोगे, यहाँ से आप जाइए। तो उन्होंने कहा कि मैं तो बीमार हूँ, इस अवस्था में कहाँ जा सकता हूँ। तो उन संत ने कहा कि हमने तुम्हारा ठेका लिया है क्या? तो ये जो ठेका लिया है क्या उन्होंने सुना, उसी वक्त काफ़ी कुछ बदलने लगा। उनके मन में आया कि आखिर तब मेरा ठेका किसके पास है,
और जैसे ही ये बात समझ भी आई कि मेरा ठेका तो श्री जी के पास है, भगवान कृष्ण राधा रानी के पास है, उसके बाद चीज़ें बदलनी शुरू हो गई और बदल गईं। साधु संत तो बहुत पहले से वो थे, लेकिन कई बार कुछ जो टर्निंग पॉइंट आता है, जो बदलाव की स्थिति आती है, कुछ ऐसे शब्द आपको मिल जाते हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित होती हैं कि आप बदल जाते हैं, क्विट कर जाते हैं, अब तक जो पुराने आपकी विचारधारा जो सोच थी उससे आप बदल जाते हैं। तो जितनी जल्दी ये चीज़ें आ जाए जीवन में उतना अच्छा है, जैसे ही आप क्विट करेंगे ईश्वर कृपा आनी शुरू हो जाएगी। अब एक महा उपाय की हम बात करते हैं, वो आप कीजिए। निश्चित तौर पर हनुमान जी कृपा करेंगे, कितना भी बड़ा संकट हो, किसी प्रकार का संकट हो, आर्थिक संकट हो, रोजी रोजगार का संकट हो, जीवन में कोई भी क्लेश हो, परेशानी हो, सबका समाधान हनुमान जी के पास है। मंगलवार और शनिवार को ये उपाय कीजिए, और एक साधक से हमारी बातचीत होती है, अभी लगातार वो फ़ोन के माध्यम से बातचीत होती है, कुछ जो विचारों का आदान प्रदान उस साधना के बारे में बताते हैं, उन्होंने भी इस साधना को किया है। तो साधना यह है कि मंगलवार और शनिवार से आपको साधना शुरू करनी है। मंगलवार को सुबह स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर के आप किसी मंदिर में जाइए जहाँ हनुमान जी विराजमान हो, और वहाँ पे पीपल भी हो तो अति उत्तम, यानी हनुमान जी भी विराजमान हो और साथ में लगा हुआ पीपल भी हो, उनकी विधिवत पूजा कीजिए हनुमान जी की, जितना संभव हो सके लाल पुष्प अर्पित कीजिए, उनको मिष्ठान चढ़ाइए, चोला चढ़ा सकते हो चोला चढ़ाइए, पंडित जी को दीजिए वो चोला चढ़ा देंगे, यानी विधिवत पूजन जितना आप कर सकते हो कीजिए, और ये करने के बाद जो भी आपका संकट है, जो भी प्रार्थना है, हनुमान जी के सामने कीजिए, और फिर उस मंदिर और पीपल अगर साथ में हो तो अति उत्तम, नहीं भी है तब भी आप हनुमान जी की परिक्रमा कीजिए, लेकिन अगर ध्यान रहे अगर पीपल भी साथ में हो तो अति उत्तम। उसके बाद हनुमान चालीसा पढ़ते हुए आपको 108 परिक्रमा करनी है पीपल और हनुमान जी की। हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए, परिक्रमा करते रहिए, गिनती हनुमान चालीसा की नहीं करनी है, गिनती परिक्रमा की करनी है, 108 परिक्रमा करनी है। जब भी ये क्लॉकवाइज घड़ी की सुई जैसे चलती है, यानी दाहिने तरफ से शुरू कीजिए, और मंदिर और पीपल की परिक्रमा करते हुए जब भी हनुमान जी के सामने आइए, एक बार सर झुकाइए, प्रभु श्री राम का नाम लीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, फिर परिक्रमा शुरू कर दीजिए, और ये परिक्रमा चलती रहे, हनुमान चालीसा चलता रहे। अब जितना हनुमान चालीसा हो जाए, आपको परिक्रमा पर ध्यान देना है कि 108 परिक्रमा आपको करना है पीपल और हनुमान जी की। हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं इस परिक्रमा के दौरान, या हनुमत सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं, लेकिन सबसे जो सहज है हनुमान चालीसा, चूँकि हनुमान चालीसा ज्यादातर लोगों को याद भी है। आप पढ़ते जाइए, परिक्रमा करते जाइए, हनुमान जी के ध्यान में रहिए। ये निज अनुभव है साधकों का कि तुरंत इससे फल की प्राप्ति हुई है, तुरंत बहुत जल्द कठिनाइयों से हनुमान जी ने उबारा है, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान छुड़ावे। आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए जैसे ही 108 परिक्रमा करेंगे, हनुमान जी तुरंत संकट से उबार लेंगे, किसी प्रकार की परेशानी हो जीवन में, समस्या कोई भी हो, समाधान यही है। एक समाधान से कई समस्याओं का निराकरण होता है, एक उपाय से। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये इसके लिए करें, उसके लिए करें, इस काम के लिए करें कि नहीं, उस काम के लिए करें कि नहीं। देखिए उपाय, ये कोई भी एक उपाय कीजिएगा, आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं सब में वो काम करता है। तो आप इस तरह से कीजिए, जैसे ही आप मंगल से शुरू कीजिए, मंगल शनि, फिर 3-4-5 बार जैसे ही करेंगे, 11 बार तो कम से कम आप रखिए कि हम 11 दिन ये करेंगे, मंगल शनि और इस तरह से 11 दिन आप जोड़ लीजिए, जितना दिन होता है कीजिए, निश्चित तौर पे हनुमान जी कृपा करेंगे। ये हो नहीं सकता कि परम दयालु हनुमान जी, चूँकि कोमल चित्त है प्रभु श्री राम का, हनुमान जी का कोमल चित्त है, उनका स्वभाव से ही दयालु है वो, तो हम हैं कि अपने पुरानी चीज़ों को छोड़ते नहीं हैं, और उसके बाद हम ये प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि हम तो नहीं बदलेंगे, हम जो हैं वो वही रहेंगे, हम वही करते रहेंगे जो करते रहें, आप इसी मदद कर दीजिए, तो ये कठिन है, क्योंकि साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे, जो राम दुलारे हनुमान जी हैं वो साधु संतों के ही रखवारे हैं। आसुरी प्रवृत्ति हृदय में रहेगी, मन में रहेगी, तो फिर वो असुर निकंदन भी हैं, फिर दंड देना भी शुरू करते हैं, इसलिए इस आसुरी प्रवृत्तियों से आप क्विट कीजिए। जो भी आसुरी प्रवृत्तियाँ हैं व्यक्ति के भीतर, अब तक जो हम जिस खेल को समझते थे कि जब तक खेलेंगे नहीं तब तक जीवन में काम नहीं चलेगा, ये व्यर्थ की बातें हैं,
ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप व्यर्थ माथापच्ची करते हैं, व्यर्थ का खेल खेलते हैं। सब छोड़िए हनुमान जी पे, आप सात्विक कार्यों को कीजिए, कर्म को कीजिए, निश्चित तौर पे हनुमान जी कृपा करेंगे। इस उपाय को कीजिए, हनुमान जी निश्चित ही कृपा करेंगे। जय सियाराम।